जो मंदिर मस्जिद पे बात होता था, लेकिन तेजस्वी उस नस को पकड़े हैं जहाँ रोजगार का बात होता है। डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया, वो किया तेजस्वी यार, रियली बोल रहे हैं दिल से एकदम। तेजस्वी यार द बेस्ट, एक क्या बोले सीएम कि अगर तेजस्वी का सरकार आता है तो अभी 4 लाख की संख्या में, 5 लाख की संख्या में जो है नौकरियां देने का काम किया है। अगर सीएम बनेंगे तो 10 लाख 15 लाख भी दे सकते हैं। अभी तेजस्वी यादव वैकेंसी दे हैं, उधर हैं हम लोग, अभी तेजस्वी उम्मीद दिए हैं हम लोग। अबकी जो 2024 का चुनाव होने वाला है बहुत जबरदस्त होगा, पहली बार युवाओं को लेकर बात हो रहा है। देखिए सब, अगर तेजस्वी यादव नौकरी दिए तो पूरा युवा जो है बिहार का उनको जो है समर्थन करने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बच्चा सोचे यार कि यार जो तेजस्वी सरकार है बेटर है, क्यों नहीं सोचे? देखिए इसका सोचने का मेन फंडा है, 17 महीने का रहा तेजस्वी, तो आप खुद ये मजबूर करवा रहे, लोगों के मन में ऐसा भावना खुद आप पैदा करवा दिए कि बिहार है ये, बिहार में रोजगार का मुद्दा जो मेन नस है ना, वो पकड़ लिए तेजस्वी यादव। केंद्र सरकार को तो हमको फंडे नहीं समझ में आता है यार कि वो क्या करता है कभी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी जो है हम एक बहुत ही खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन बहुत ही कठिन जीवन होता है, ये आप सभी जानते होंगे, चाहे वो विद्यार्थी कहीं के भी हो, बिहार के हो, यूपी के हो, या देश के किसी भी कोने कोने से हो। अभी कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आया था, यूपी में एग्ज़ाम होती है सिपाही भर्ती एग्ज़ाम, उसका जो पेपर है वो लीक हो जाता है। उस वैसे ही झारखंड में और बिहार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बिहार में पेपर लीक होना, चाहे वो 12th के एग्ज़ाम्स का हो या BPSC तक का लेवल का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो, वो कोई आम बात है। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है, हैरत वाली बात नहीं है कि पेपर लीक हो रही है। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे पूछेंगे कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं इतने सालों की तैयारी के साथ और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो उनको कैसा लगता है और कैसा महसूस करते हैं वो। आइए इन विद्यार्थियों से पूछेंगे, तैयारी कर रहे हैं, धूप में भी हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन बहुत ही कठिन जीवन होता है, से पूछेंगे। आ सकते हैं अंदर, कितने बजे बैठे हुए हैं आप लोग? 3 बजे से चलता है ये, रोज चलता है या वीकली है? ऐसे प्रतिदिन, मतलब हर तैयारी की है ये, परीक्षा की तैयारी करते हैं स्पेशली, सिर्फ SSC रेलवे ऐसा कुछ? हर परीक्षा की तैयारी, हर परीक्षा की तैयारी। IAS भी बने हैं? अच्छा, IAS भी बने हैं, यानी इस जगह ने जो है मिनी IAS भी दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यही, जैसे कि अभी दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हाँ। आने वाला वैकेंसी है, हाँ। दरोगा क्या करते हैं, BSSC का लगभग सारा कंपटीशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, हाँ, हाँ। मैं कुछ देर पहले देख रही थी कि आप बहुत जोर जोर से पढ़ा रहे थे सबको एकदम, बिल्कुल, हाँ। तो रोज चलता है ये? रोज 3 बजे से शाम को 8 बजे तक चलता है, हर प्रतियोगिता परीक्षा की, हाँ, टोटल, जिसमें GS पेपर रहे, वो GS पेपर का खास करके आप होता है, मैथ और रीजनिंग के लिए, हाँ। हम लोग सुबह में जैसे कि 8:30 बजे से, 8:30 बजे वहाँ पे प्रेमचंद पाठशाला से सेट मार के आते हैं, फिर 9 बजे से लगा के 11 बजे तक सेट बनाते हैं। कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे? यहाँ कम है लेकिन 80 स्टूडेंट है, अब 80 लोग आ रहा है लेकिन है 326 स्टूडेंट, 326 स्टूडेंट है, 326 स्टूडेंट। अच्छा, सुबह भी क्लास चलती है? हाँ, जैसे कि 1275 जो मेन सुबह ना अभी हाल में, तो उसमें से लगभग हम लोग का 40 लगभग 80 बच्चा था, उसमें से 21-22 गो का हुआ है, तो वो लोग अपना रनिंग कर रहे हैं। अब इसमें कहाँ, मान लीजिए कि बहुत कम टाइम दिया है BPSSC, तो उसमें फिर टाइम नहीं उन लोग को मिल रहा है, तो हम लोग बोले कि आप लोग और क्या करिए कि अब फिजिकल का तैयारी करिए, अभी कहाँ टाइम मिल पा रहा है, 21 दिन में वो लोग यूज करेंगे कि तैयारी करेंगे। सब पटना से ही है या बिहार के कोने कोने जिले से? सभी जगह से। अच्छा, मैं भी विद्यार्थी हूँ, अभी भी पढ़ ही रही हूँ, आप लोग भी विद्यार्थी हैं, बाहर से जब घर से माँ बाप को भेजते हैं, पैसा खर्च करते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, हाँ। अभी यूपी में भी पेपर लीक हुआ, झारखंड में भी हुआ, कैसा महसूस होता है उस वक्त? बहुत गंदा महसूस होता है यार, पढ़ो दिन भर, क्या बोले हम लोग, हाँ। मान लीजिए कि अभी हम लोग पहला नंबर के, हमारा क्यूज का खासियत हम आपको बता देते हैं, बहुत सारा पटना में है, बहुत सारा कोचिंग संस्थान है कि पैसा लेके कराना क्यूज जितना भी है, लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लेते हैं, 3 बजे से लगा के रात को 8 बजे तक, ठीक ना, लूसेंट, उसमें SPD, करंट अफेयर्स, घटना चक्र, ये सब का तैयारी करते हैं हम लोग अपने में मिल के, ठीक ना। इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़का टीचर है, कुछ आप बताइए कुछ हम बताइए, ऐसा करके, हाँ बिल्कुल ऐसा ही रहता है। पेपर लीक को लेकर सरकार को क्या कहना चाहिएगा? सरकार जो है सीधा 2-3 इंसान को गिरफ्तार करती है, फिर मामला रफा दफा हो जाता है।
पेपर लीक में क्या बोले हम लोग, अब तो ये तो गवर्नमेंट का मुद्दा है ना, उसको समझना चाहिए, बट छात्रों को भी देखना चाहिए इस मुद्दे पे कि आखिर गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है। हम लोग तो जाते ही हैं गांधी मैदान चाहे तरह तरह जगह पे अपना जाके धरना देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सुनती ही नहीं है, तो क्या करें हम लोग। एक होता है ना कि हम कर रहे हैं, मरता क्या ना करता, हम गए और किए, धरना दिए, सब कुछ किए कि नहीं पेपर लीक हुआ, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं होता है, तो क्या किया जाए। देखते हैं कि जब एग्ज़ाम होने लगता है तो हाथों हाथों में पर्चा पर्चा लेके सब घूमता है, तो उस पर क्या हम लोग बोले, दुख होता है, बहुत दुख होता है। अब क्या हम बताएं, आप सोचिए, एक मुद्दा आप सोचिए कि हम लोग दिन भर और रात यहाँ 3 बजे से लगा के रात को 8 बजे तक, ठीक है, फिर मॉर्निंग में यार 4 बजे जग के रनिंग करके फिर सेट बना के लगभग 12-13 घंटे रोज स्टडी करते हैं हम लोग। हाँ, और मान लीजिए कि बहुत तैयारी बम्पर है और उसके बाद गए तो पेपर लीक हो गया, तो आप अंदर से खुद आप फील करके देखिए कितना गंदा बैड फील होगा यार, समझते हैं। इस अभी जो स्टूडेंट टाइम है इतना यूनिक टाइम है हम लोग के पास। अच्छा एक बात बताइए, पेपर तो लीक है, फिक्स है, हम लोग के पास ऐसा थोड़ी नहीं है कि पूरा लाइफ भर तैयारी का, वो भी तो गवर्नमेंट जो है अपना लिमिटेड टाइम दी हुई रहती है कि 28 जनरल हैं तो इतना, OBC हैं तो इतना कैटेगरी तक, मैंने कितना टाइम तक आप दे सकते हैं, लेकिन उस वैसा तो कुछ है नहीं। आप पेपर लीक कर दे रहे हैं, फिर अगला साल अब वैकेंसी का जो रूल है आप देख ही रही हैं, रेलवे में पता नहीं कब आया था वैकेंसी, रेलवे में वैकेंसी अभी निकली थी 5600 की, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, लेकिन लोग जो थे स्टूडेंट कह रहे थे कि ये ऊँट के मुँह में जीरा वाला हिसाब है, उसको लेकर क्या करेगा सरकार, केंद्र सरकार से क्या, केंद्र सरकार को तो हमको फंडे नहीं समझ में आता है यार कि वो क्या करता है। कभी पहले निकाला था 2018 में भी हम रेलवे ड्राइवर दिए हुए थे, उसमें सब कुछ हुआ बट हम लोग के पास ITI नहीं था तो उस हम लोग छट गए, अलग बात है। लेकिन 2018 के बाद अभी 2024 में अभी वैकेंसी देखने को मिला, तो देखने को मिला कि यहीं 5000 समथिंग LP का वैकेंसी है, और अब आगामी ऐसे बोला जा रहा है कि 9000 टेक्नीशियन का देंगे, बट वो भी आएगा कि नहीं कौन जानता है। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जॉब कैंडिडेट उसमें जा रहा है, फॉर्म भर रहा है, तो वैकेंसी कुछ यार ज़्यादा रहना चाहिए। आप बताइए क्यों नहीं लोग बोलेगा कि ऊँट के मुँह में जीरा, लाखों लगभग पिछला बार जो आया था 1 लाख समथिंग जो ग्रुप डी का वैकेंसी आए थे उसमें क्या हुआ था कि लगभग नहीं करोड़ों में लोग फार्म डाले हुए थे, करोड़ों में फार्म डाले हुए थे, सेम एलिजिबिलिटी रखने वाले लोग अभी भी होंगे, वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करने वाले लोग अभी भी तो होंगे ना यार, तो बढ़ती जा रही है। हाँ और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। अब बताइए कि लगभग 40-50 लगभग हाफ करोड़ के एक्सेस बच्चा डालेंगे, ठीक ना, और 5000 समथिंग, आप बताइए कि क्या हो रहा है, ये मजाक ही ना हो रहा है। कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, क्या वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, अब उतना हम बहस नहीं करेंगे, बट हम ये कहेंगे बच्चों लोग से कि यार तुम लोग पता नहीं, ये देखिए हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने को दोष देते हैं, अगर गवर्नमेंट अगर कोई बात हमारा नहीं मान रही है तो उसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। अगर पेपर लीक हो रहा है, अगर आप मुद्दा जाके बोल रहे हैं, अगर वो बात नहीं मान रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का दोष 1% नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है यार, दिमाग से सोचो, गवर्नमेंट को कौन भेजता है, हम भेजते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा में कौन भेजता है, हम लोग भेजते हैं। अरे यार हम लोग झेल सकते हैं, 5 वर्ष झेल सकते हैं, लेकिन अपना तुम वो रखो यार, तुम्हारा वोट देने का अधिकार है। अगर तो हम कह रहे हैं कि हमारा पेपर लीक है, गवर्नमेंट मेरी बात नहीं मान रही है, तो गलती गवर्नमेंट की नहीं है, हमारा गलती है यार। MLA का चुनाव हो रहा है, तुम MLA में अच्छा से वोटिंग करो, दूसरा प्रत्याशी को चुनो, जाति देख करके वोट करते हैं, जाति पाति कहां जाति, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो ऐसा नहीं लगता है कि बिहार जो है कहीं ना कहीं सिर्फ जातियों में राजनीति में बढ़ करके रह गई, वो तो इस पे हम कुछ अब नहीं नहीं ऐसा ऐसा बिल्कुल बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जाति जाति वाला। अभी जो है तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उन्होंने तेजस्वी यादव सरकार में थे, रोजगार दिया BPSC वाला, उसको लेकर क्या कहिए, बिल्कुल दिया यार, तेजस्वी दिया यार, कोई जाति का बोले हम तेजस्वी दिया यार, हम लोग एक होता है ना कि डूबते हुए तिनके को सहारा मिल गया, वो किया तेजस्वी यार, रियली बोल रहे हैं दिल से एकदम, तेजस्वी यार द बेस्ट, एक क्या बोले CM, अरे बिहार सॉरी, ठीक ना, अपकमिंग एकदम सही है, वो एकदम सही है यार, 17 महीना मात्र रहा, देखे ना हम लोग को रेलवे के वैकेंसी के ताकते वेट करते करते 23 स्टूडेंट हुआ है, टीचर में यहाँ से 23 स्टूडेंट गया है, टीचर में गया, उसके बाद रेलवे में भी गया, और यहाँ CGL 3 हुआ था उसमें भी यहाँ से ऋतुराज भैया जो है मिनी IAS के रूप में अभी सेवा दे रहे हैं सचिवालय में, तो यहाँ मतलब कि जितनी भी वैकेंसी आता है उसमें
हर मतलब कि जितना भी वैकेंसी आते हो 30 से 25 स्टूडेंट जाने ही जाना है। नौकरी में भी जो है राजनीति होने लगी, नीतीश कुमार कहने लगे कि हमने दिया है, तेजस्वी यादव कह रहे कि नहीं 17 महीने में हम रहे तो हमने दिया है, एज ए स्टूडेंट क्या। गुड गुड गुड, ठीक है। अगर अगर नीतीश कुमार को मानना है कि हमने वैकेंसी दिया है तो अभी भी दे दीजिए ना, अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, अभी आप दीजिए, हम आपका समर्थन साथ है, क्या लगता है? एनडीए के साथ हैं तो वही तो मांग कर रहे हैं। अगर युवा को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, जाति पाति कुछ नहीं होता है, नौकरी दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। अगर तेजस्वी यादव नौकरी दिए तो पूरा युवा जो है बिहार का उनको जो है समर्थन करने का काम कर रहे हैं। देखिए सबसे मंत्री के तौर पे देखना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो स्टूडेंट है हम लोग का कोई पार्टी धर्म जाति नहीं रहना चाहिए, नोटिस द पॉइंट, इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। हम लोग को मेन मुद्दा ये रहना चाहिए कि आखिर स्टूडेंट को चाहिए क्या वैकेंसी। यार हम रियली बोल रहे हैं कि अभी अगर नरेंद्र मोदी भी अगर वैकेंसी रेलवे में दे दें अच्छा तो हम लोग को क्या चाहिए, वैकेंसी चाहिए, जो वैकेंसी देगा उसको मारेंगे वोट, काम खत्म, सियावर रामचंद्र की जय, कुछ भी बहस नहीं करना है इस पे, ठीक ना। अगर अगर आरजेडी अगर हमको वोट दे रही, आरजेडी हमको दे रही है तो आरजेडी को मारेंगे, बीजेपी दे रही है तो बीजेपी को मारेंगे, कोई एकदम ये भी नहीं है। लेकिन यार हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, अभी इतना दिन तक जिसका सरकार रहा तो हम लोग देखे कि क्या हो रहा था। लेकिन इस देखिए आप अभी बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी का गवर्नमेंट ठीक है 17 महीने में वैकेंसी दिया, तो आप इस पे सोच भी सकते हैं कि यार सही बोल रहा है कि नहीं, रियलिटी है यार, जागा है ना, युवाओं का उम्मीद जागा है और आगे भी की काम है, आशा है कि अगर तेजस्वी का सरकार आता है तो अभी 4 लाख की संख्या में 5 लाख की संख्या में जो है नौकरियां देने का काम किया है, अगर सीएम बनेंगे तो 10 लाख 15 लाख भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम युवाओं का जो है उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद है ताकि उनका सरकार बने और जितने भी बेरोजगार युवा जो है घर से बाहर आए हुए हैं और अपना रूम में जो है पंखा बेड अच्छा स्थिति को छोड़कर इस तरह से ग्रुपिंग बनाकर पढ़ रहे हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो फिर भी यहाँ से नहीं हटते हैं, 8-8 घंटा 9-9 घंटा चूज करते हैं, उसके बाद रूम पे भी पढ़ते हैं, तो वैकेंसियाँ आएगा तब तो स्टूडेंट का मनोबल बढ़ेगा पढ़ने का। अगर वैकेंसियाँ नहीं रहता तो हम लोग स्टूडेंट का भी मनोबल टूट जाता है, क्या अगर वैकेंसियाँ ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो और कुछ बच्चे जो 2-4 साल तैयारी करते हैं वैकेंसियाँ नहीं आता है, बोरा बदना लाद के यहाँ से फिर घर लौट जाते हैं, गांव में उनका बेइज्जती होता है। हाँ इतना इतना दिन से आप देख रही हैं ना, क्यों नहीं बच्चा सोचे यार कि यार जो तेजस्वी सरकार है बेटर है, क्यों नहीं सोचे। देखिए इसका सोचने का मेन फंडा है, 17 महीने का रहा तेजस्वी तो आप खुद ये मजबूर करवा रहे, लोगों के मन में ऐसा भावना खुद आप पैदा करवा दिए कि देख भाई हम लोग नहीं देख रहे, पहले से भी तो गवर्नमेंट थी ना यार, लेकिन 17 महीने में जो परिवर्तन हमको देखने का मिला इस बात पे हम क्लियर बोल सकते हैं कि यू आर बेटर, यार तू बेटर है तेजस्वी, तू बेटर है यार, ठीक ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों के मन में ऐसा भावना पैदा हो जा रहा है कि नहीं तेजस्वी बेटर है, तेजस्वी। युवाओं को नौकरी मिलेगा तो युवाओं के जो माता पिता हैं परिवार है सब लोग उनका साथ देंगे। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? बख्तियारपुर से हैं। बख्तियारपुर से हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? आत्मनिर्भर बनाने का बात कर रहा था, उसके लिए युवाओं के जॉब देना चाहिए, जॉब देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा, तब तो आत्मनिर्भर होगा। नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनिए, नौकरी देने वाले बने। केंद्र सरकार कह रही है कि नौकरी देने वाले बनिए, मालिक बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। नहीं नहीं, हम लोग को जॉब चाहिए, हम लोग को सरकारी जॉब चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, सरकारी चाहिए। मिडिल फैमिली से गरीब है, सरकार कहती है कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, हमारे बस में नहीं है, इसलिए आत्मनिर्भर बन जाएंगे, क्या कहिएगा? उस तरह से विधि व्यवस्था बनाइए ना, उस तरह से विधि व्यवस्था बनाइए ताकि यहाँ भारत के स्टूडेंट जो है आत्मनिर्भर बने। चाय बेचिए, ये पढ़ लिखा आदमी चाय बेचेगा, वो ऐसा फंड नहीं आ रहा केंद्र सरकार को। जो बिहार में जो है रोजगार का ही मुद्दा बहुत जो है हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए हमेशा सीखना पड़ेगा और जॉब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो आए थे, तो कहाँ फालतू कर रहे थे, यहाँ जान रहे हैं कि बिहार है, ये बिहार में रोजगार का मुद्दा जो मेन नस है ना वो पकड़ लिए हैं तेजस्वी यादव, इसलिए पकड़ लिए हैं। तो वो हर नेता जो भी आते हैं तो उनका भी मानना है कि यहाँ एक ही मुद्दा है, अगर चुनाव जीतना है तो नौकरी पे बात करना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कौशल किशोर कुमार नाम हुआ। यादव जी नहीं ना है? नहीं, वो सबसे आरोप लग जाता है कि यादव है इसलिए सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर पूछ लीजिए, सब कास्ट का बच्चा है, लेकिन हर कास्ट का यादव। नहीं, ये मेरा भाई राजपूत है,
जी है ना राजपूत है बट वो मतलब क्या कहिएगा तेजस्वी यादव के बारे में? बहुत अच्छे काम किए हैं तेजस्वी यादव, कर रहे हैं 5 लाख से के रूप में उनको आगे बिल्कुल बिल्कुल जो वैकेंसी देगा उसके साथ है हम लोग, क्या समझे? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मोदी LP की वैकेंसी 50,000 निकाल दे उधर मुड़ जाएंगे तुरंत, हम जिधर वैकेंसी रहेगा उधर रहेंगे, जिधर वैकेंसी है उधर बिल्कुल बिल्कुल काम खत्म। अभी तेजस्वी यादव वैकेंसी दे उधर है हम लोग, अभी तेजस्वी उम्मीद दिए हैं हम लोग के, अब की जो 2024 का चुनाव होने वाला है बहुत जबरदस्त होगा, पहली बार युवाओं को लेकर बात हो रहा है, देख रहे हैं पहली बार, पहला जो है मंदिर मस्जिद पे बात होता था लेकिन तेजस्वी उस नस को पकड़े हैं जहाँ रोजगार का बात होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ओनली फॉर रोजगार, रोजगार चाहिए, जातिवाद आप बोल रही हैं, देखिए वो पंडित जी हैं, ये पंडित जी, हेलो हेलो, यानी हर पंडित जी है, हर जाति के लोग हैं यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, बिहार से ही है ना? हाँ बिहार से, कहाँ से हैं बिहार? जहानाबाद से। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव को लेकर? बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है ना? आरोप लगता है कि बहुत जातिवाद करते रहते हैं। नहीं जातिवाद नहीं है, और मतलब बहुत काम किए हैं युवा के प्रति, तो अभी के जो युवा है उनको सिर्फ रोजगार चाहिए, ना वो जाति पे बात करना चाहते हैं, ना वो धर्म पे बात करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, इनका कहना है कि आप हमें रोजगार दे दीजिए, हम आपको ही वोट देंगे, आप हमारे बारे में सोचिए तब हम भी आपके बारे में सोचेंगे। बाकी आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, तब तक